नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। मैं हूँ अभी टनकपुर में और अभी ले चलता हूँ आपको श्यामला ताल। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल उत्तराखंड राज्य के चंफौत जिले में स्थित है। आप अगर दूरी की बात करें, अगर दिल्ली से आप टनकपुर आना चाहते हैं, 339 किलोमीटर की दूरी पर टनकपुर स्थित है। आप बस से या ट्रेन से भी टनकपुर आ सकते हैं। टनकपुर से नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ ये जिला चंफौत, तो टनकपुर से 27 किलोमीटर दूरी पर ये श्यामला ताल स्थित है। आप लोग यहाँ टैक्सी या बस से भी श्यामला ताल जा सकते हैं। क्या यहाँ की कहानी है और ले चलते हैं आपको श्यामला ताल में। वहाँ एक नीचे तालाब है और उसी से आगे चलते हुए रामकृष्ण आश्रम है, और जो विवेकानंद आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो बने रहें लास्ट तक। हम निकल रहे हैं चंफौत श्यामला ताल। दोस्तों, टनकपुर से 28 किलोमीटर की दूरी में और श्यामला ताल है। अब देखेंगे श्यामला ताल का वहां जाके नजारा। एक आध्यात्मिक एक जगह है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का आश्रम है। ले चलते हैं आपको श्यामला ताल। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये टनकपुर का क्षेत्र है, और यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र लग जाता है। वैसे इससे आगे को अगर हम निकलते हैं पीलीभीत और सितारगंज हटिमा को प्लेन का एरिया लगता है। एक आप बॉर्डर कह सकते हैं इसको, ये काली नदी है। इससे पल्ली साइड को जो है ये नेपाल लग जाता है, इधर को जो है भारत है, इंडिया। ये नेपाल और भारत के बीच की एक आप कह सकते हैं दीवार कह सकते हैं, बॉर्डर कह सकते हैं इस नदी को। यहाँ से उधर को नेपाल लग जाता है। ये आप अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, ये हम भारत में हैं अभी। ये टनकपुर चंपावत मेन रोड से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। सुबह सुबह धूप निकल गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ ये श्यामला ताल। ये देखिए आप, पूरी पेड़ों की छाया यहाँ पर इस ताल में। हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ श्यामला ताल में। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पहाड़ियों की जो प्रतिबिंब है वो हमें इस ताल में देखने को मिल रही है। इसी रंग के कारण, इसी मटमैले रंग के कारण, जहाँ की मिट्टी का रंग और जो पहाड़ की इस पेड़ों की छाया जो यहाँ पर पड़ रही है, तो इसी के कारण इसका श्यामला कलर होने के वजह से इसका नाम भी श्यामला ताल पड़ा। Thank you.
ठंडी हवाएं आ रही हैं, इससे जंगलों की देखिए कितना सुनहरा एक दृश्य है यहाँ से। दोस्तों मैं हूँ अभी श्यामलाताल में रामकृष्ण आश्रम में यहाँ पर, और मैं अभी मिलाता हूँ आपको हमारे जो यहाँ के हेड स्वामी जी हैं उनसे, और यहाँ के बारे में जानते हैं। ये आश्रम का शुरुआत 1915 में हुआ जी, स्वामी जी के प्रमुख शिष्य नाम स्वामी बीरजानंद जी जी, जो पहले मायावती रामकृष्ण अद्वैत आश्रम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जी, तो वहाँ से आके उन्होंने यहाँ बनवाया सन 1915। हॉस्पिटल का भी लगते हैं ना यहाँ, हॉस्पिटल पहले से ही स्वामी जी आने का तुरंत बाद ही हॉस्पिटल चालू हुआ था, और तब से लगातार अभी तक चल के आ रहा। यहाँ पर पूरा निःशुल्क सेवा है ना इसकी, पूरा निःशुल्क सेवा हम लोग देना दे रहा हूँ, और ये करीब करीब 50-55 किलोमीटर एरिया का लोग सब आते हैं इधर, उनका चिकित्सा परिसेवा हम लोग प्रयास करता हूँ देने का। बहुत सुविधा उपलब्ध नहीं है, नहीं है उन लोग को, इस एरिया का सारे बच्चे को हम प्रोग्राम चलाता हूँ। स्कूलिंग तो हम लोग नहीं करा रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग, यहाँ कोचिंग कराता हूँ हम सबको, कोचिंग सारे कुछ जो आवश्यकीय डे टू डे सामान है सब देता हूँ। तो करीब हमारा 57 स्ट्रेंथ है। अच्छा, रोज क्लास होता है, 5 जने टीचर हैं जो गांव का ही हैं। अच्छा, वो लोग बहुत अच्छा प्यार से उन लोगों को सिखाता भी है। स्कूलिंग तो हम लोग नहीं करा रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग, यहाँ कोचिंग कराता हूँ हम सबको। कोचिंग क्या, कोचिंग का अंदर में आपका जो स्कूल सब्जेक्ट्स है वो तो है, इन एडिशन वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीज हम लोग उसको बताता हूँ सिखाता हूँ। और हमारा जो संस्कार है, हम लोग लगभग संस्कार हमारा छोड़ चुका हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ, हमारा प्रयास नहीं, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा जोर देता हूँ, मेडिटेशन सिखाता हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का अंदर। हमारा क्लास 10th लेवल तक बच्चे को हम लोग करवाता हूँ। स्वामी जी यहाँ जो सेवा आप दे रहे हैं तो इसके लिए कहाँ से आप लोग ये करते हैं अरेंज? ये जो भक्त लोग बा जो वेल विशर्स जो अच्छा भावना रखते हैं वो लोग आते हैं, हमारा कार्यक्रम देखते हैं और उन लोग उसे मदद करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प सब यहाँ से ही आता है, बाहर से कहीं एक पैसा नहीं आता है जी। तो हम लोग यहाँ से इकट्ठा किया जाता है और यहाँ ही हम लोग खर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया, स्वामी जी ने एक भारत को एक नई पहचान दी उन्होंने, और बाहर जाके एक अलग छवि बनी उनके उसे आज भारत में। हाँ, जो भी उस समय और उसके बाद हम लोग देखता हूँ जो एक रिवोल्यूशन हुआ, उससे पहले कोई नहीं, हमारा संस्कृति हमारा संस्कार को लेके बाहर में कोई अब एक भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्वामी जी के बाद ही हम लोग देखता हूँ बहुत सारे हमारा भारतीय जो महापुरुष बाहर गए और हमारा संस्कृति हमारा संस्कार को बाहर प्रचार प्रसार किया। चलिए चलिए, धन्यवाद आपको।
दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पर हर सुबह और शाम को यहाँ पर प्रार्थना की जाती है और ध्यान और साधना यहाँ पर की जाती हैं। सुबह शाम आप भी इस प्रार्थना में आप भागीदारी ले सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर बुक कर सकते हैं, आ सकते हैं। साथियों, आपने देखा ये टनकपुर से लेकर श्यामला ताल और यहाँ रामकृष्ण आश्रम। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको हमारी मिल पाएगी। और भी अगर हैं कहीं पर त्रुटि है तो हम आगे को और उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। रामकृष्ण आश्रम श्यामला ताल में, ये आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय। यहाँ पर बाहर से डॉक्टरों की टीम आती है, यहाँ स्थानीय लोगों को फ्री में जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैंप लगते हैं, आँखों के डॉक्टर आते हैं, उसमें लेंस पहने जाते हैं। बहुत बड़ी एक सेवा ये आश्रम दे रहा है। कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है आके, बहुत शांत जगह है और चारों तरफ से घने जंगलों के बीच में बसा है आश्रम। वाकई में ध्यान और साधना के लिए बहुत अच्छी जगह कह सकते हैं इसको।